नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नैदर पे। दोस्तों ये मेरा मोबाइल है और ये है केबल, ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर केबल है, ये मेरा कीबोर्ड है, इधर मेरा कंप्यूटर पड़ा है। जब भी मैं ये केबल अपने मोबाइल के अंदर डालता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, और सेटिंग में जाकर मैं जैसे ही इसको ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको मेरे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि कनेक्ट डिवाइस, दिस डिवाइस, फाइल ट्रांसफॉर, USB, tethering, MIDI, PTP। तो इन ऑप्शन और सबसे नीचे आता है नो डाटा ट्रांसफ़र। तो इन ऑप्शन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन से, नो डाटा ट्रांसफ़र। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपके हर मोबाइल के अंदर। इसका मतलब है कि आप कोई डाटा अगर नहीं कंप्यूटर से मोबाइल के बीच में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है PTP। इसके अंदर क्या होता है, जो फ़ोटो होती है उस अगर आप केवल फ़ोटो ही लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि केवल फ़ोटो का ऑप्शन ही आता है और बाकी जो वीडियो भी देखने तो वो आप देख नहीं सकते, केवल फ़ोटो के लिए। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों MIDI। इसका यह मतलब होता है अगर आप अपने मोबाइल में कोई हारमोनियम बजाना चाहते हैं और आप चाहते हो वो कंप्यूटर में आपको सुनाई दे उसकी आवाज़, तो आप MIDI कर सकते हो। ये सुनने में कितना अजीब लगता है दोस्तों, या फिर कोई ढोलक वगैरह है या फिर कोई वाद्य यंत्र है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई वाद्य यंत्र कनेक्ट कर रहे हो मोबाइल के साथ तो भी इसमें आप MIDI को सेलेक्ट करोगे, यानी कोई वाद्य यंत्र अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो MIDI ऑप्शन काम आएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों USB tethering, यानी अगर आप मोबाइल से इंटरनेट चलाना चाहते हो तो USB tethering ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंटरनेट अच्छा मिलता है और स्टेबल मिलता है, मैंने एक बात नोटिस की है। और सबसे ऊपर आता है फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन से कुछ भी फाइल, यानी कि फ़ोटो, वीडियो या कुछ भी डालना चाहते हैं, मूवीज़, गाने, तो ये ऑप्शन ऊपर वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं और ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है दिस डिवाइस ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, उसके अंदर दिस डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन है। और सबसे ऊपर ऑप्शन आता है कनेक्ट डिवाइस, इसमें दोस्तों आप चार्ज कर सकते हैं आपका मोबाइल। नीचे वाला ऑप्शन के अंदर भी चार्ज होता है और इसके अंदर भी चार्ज होता है, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता ऊपर वाला। तो नीचे के अंदर जो ऑप्शन है नो डाटा ट्रांसफ़र, इसके अंदर बहुत ही स्लो चार्ज होता है, यानी कि इतना स्लो चार्ज हो रहा है अगर आप हॉटस्पॉट ओपन कर रखा है ना तो मोबाइल मतलब चार्ज होने बजाय डाउन होता जाता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको शेयर किया है, ये आपके हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आते हैं अगर आप कंप्यूटर के साथ इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए। विंडोज़ 11 संबंधी इंटरनेट संबंधी और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।